एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली सिंह और फाइनली आज हम बहुत दिन बाद करने वाले हैं एक मेकअप लुक ट्यूटोरियल वीडियो। ये मेकअप बेसिकली टीनएजर्स और बिगनर्स के लिए, यानी कि बेसिक मेकअप है। आप मानसून के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये मेकअप वो है जो कि मैं डेली बेस पे करती हूँ, यानी कि कभी वीडियो शूट करने के लिए, कभी अपनी वीडियो को क्रिएट करने के लिए, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाने के लिए, या फिर कभी छोटी मोटी जगह आउटसाइड जाने के लिए, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ या कहीं भी आप जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इजी स्टेप्स और लेस प्रोडक्ट्स के साथ है। सो लेट्स चेक आउट द वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेकअप की शुरुआत करते हैं स्किन केयर करने के बाद। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का टी ट्री बेस्ड मॉइस्चर। टी ट्री इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये समर सीजन है और समर सूटेबल मॉइस्चर बहुत ही अच्छा है टी ट्री बेस पे, क्योंकि ये एक्ने और जो पिगमेंटेशन होती है उनको कवर करके रखता है। सो मॉइस्चर अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मेलियो का प्राइमर। गाइज, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही अफोर्डेबल हैं। आप यहाँ पर चाहें तो अपने प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप उस तरीके के प्रोडक्ट पिक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एनवे का कंसीलर। सो कंसीलर से मैं हाइड करूँगी अपने डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल, जो ब्लैक मार्क्स हैं उनको, और मैं यहाँ पे ज़्यादा फाउंडेशन की कवरेज नहीं दूंगी। हल्का हल्का सा एक लिमिटेड में फाउंडेशन और कंसीलर दोनों ही अप्लाई करूँगी, बहुत ज़्यादा लेयर नहीं देने वाली हूँ। सो मैंने यहाँ पे कंसीलर अप्लाई किया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने डार्क सर्कल एंड अपर आइज़ के ऊपर, अपर लिप्स के ऊपर एंड हल्का सा जहाँ पे मेरे मार्क्स थे डार्क, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई करके उसके बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन ब्रश है इसके थ्रू ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का फाउंडेशन। गाइज, आपने मोस्टली देखा होगा कि मैं यही वाला फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, अदरवाइज मेरे पास बहुत सारे फाउंडेशन हैं। ये फाउंडेशन हल्का सा मेरे चेहरे पर ग्लो लाता है। 04 इसका शेड है, SPF है, समर के लिए बेस्ट है, और 04 मेरी स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए मोस्टली मैं इसी फाउंडेशन का यूज़ करती हूँ। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मेरी स्किन सूटेड ये फाउंडेशन है, और जब मैं इसे पाउडर के साथ कवर करूँगी तो एकदम एग्जैक्टली मेरी स्किन से मिलता जुलता फाउंडेशन यहाँ पे बेस बन के रेडी हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ लैक्मे का लूज पाउडर, और जिसे मैं प्लफी ब्रश के थ्रू अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। पाउडर बेसिकली आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट टचअप, या फिर आप पाउडर यूज़ करें, इससे आपका जो बेस होता है वो अच्छे से सेट हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया स्विस ब्यूटी का अफोर्डेबल मेकअप फिक्सर, ताकि जो हमारा बेस है पसीना आने के बाद भी ना यहाँ पे फटे हमारा मेकअप, और मेकअप हमारा केकी लुक ना दे। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का आईब्रो मिनी पैलेट, और इसमें से मैं पिक कर रही हूँ ब्राउन शेड, जिससे मैं अपनी शेड करूँगी आईब्रो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी आईब्रो जो है ऑलरेडी थिक हैं एंड ग्रोथ इनकी बहुत अच्छी है, तो अगर मैं डार्क कलर यहाँ पे पिक करती हूँ तो मेरी आईब्रो जो होती है वो बहुत हॉरिबल दिखती हैं। सो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें नेचुरल शेप में ही रखूँ और नेचुरल उन्हें लुक दूँ। अब हम ब्रश के थ्रू इन्हें अच्छे से सेट कर लेंगे एंड अब स्टार्ट करेंगे हम मेकअप का मेन एंड टफ पॉइंट, यानी कि आई मेकअप। सो आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है पीच कलर से, एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शेड, जिससे मैं अपनी क्रीज को डिफाइन करूँगी। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कंसीलर, सो कंसीलर से मैं हाफ क्रीज कट करूँगी, ताकि मैं यहाँ पे अनदर हाईलाइट अपना कलर फिल कर सकूँ जो मुझे एज अपनी आई कलर के लिए चाहिए। तो मैंने यहाँ पे हाफ क्रीज ही डिफाइन किया है दोनों आइज में। सेम प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अब मैंने यहाँ पे पिक किया है ब्राउन, हल्का सा मैरून ले सकते हो आप, एंड ब्लैक, दोनों को कॉम्बिनेट करके दोनों आई शेडो को, और मैं आउटर कॉर्नर पे फिल करूँगी। यहाँ पे मैं दो कॉम्बिनेट करने वाली हूँ आई मेकअप में, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक और मैरून कलर को फिल किया। अगर मैं ब्लैक कलर पिक करती तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डार्क कलर आता, इसलिए मैंने दोनों को कॉम्बिनेट किया है। आगे की तरफ यानी कि इनर कॉर्नर पर फिल करने के लिए मैंने यहाँ पर पिक किया है पर्पल आई शेडो, जो कि मैट में है, और इसे मैं एज अ पहले आउटर कॉर्नर पे फिल करने के बाद अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एक प्लफी सा ब्रश, और इससे मैं अपनी क्रीज को ब्लेंड करूँगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस और टाइम चाहिए, ताकि अच्छे से आपकी क्रीज ब्लेंड हो जाए, वो अलग से दिखाई ना दे। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शिमर पर्पल आई शेडो, जो कि बहुत ही अच्छा लुक देने वाला है आपको। आप इसे फ्लैट ब्रश के थ्रू या फिंगर के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, और उतने ही क्रीज एरिया पर हमें अप्लाई करना है जितने पर हमने कंसीलर अप्लाई किया था। अब मैंने यहाँ पे पिक किया है लैक्मे का आइकॉनिक काजल, और इसे मैं
लाइनर लाइन और वाटर लाइन दोनों के ऊपर अप्लाई करूंगी, वो भी थिक फॉर्म में। सो एज अ जैसे लाइनर अप्लाई करते हो इस तरीके से काजल को अपर लाइन और लोअर लाइन दोनों पे अप्लाई करना है। लोअर लाइन में अंदर की तरफ वाटर लाइन पे अप्लाई करने के बाद उसे हल्का सा हम बोल्ड कर देंगे, थिक कर देंगे एंड इस तरीके से दोनों आइज पे अप्लाई करेंगे। अब हमें चाहिए एक प्लफी सा छोटा सा ब्रश एज अ ब्लेंडर और इसे हम ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। इसमें कम से कम आपको 5 मिनट तक लग जाएंगे अपर और लोअर लाइन दोनों को ब्लेंड करने के लिए। अब हमने यहाँ पे यूज़ किया हल्का सा कंसीलर जिससे हम अपनी आई लाइन को डिफाइन करेंगे। अब बारी है यहाँ पे कॉन्ट्रोल करने की। सो कॉन्ट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है डैजलर का स्टिक और उससे मैंने अप्लाई किया है कॉन्ट्रोल को एज अ फ्लैट ब्रश। अब मैं इससे एंगल ब्रश के थ्रू ब्लेंड कर रही हूँ। सो ये थोड़ी सी न्यू टिक है, आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत वायरल हैक चल रहा है इस तरीके की कॉन्ट्रोलिंग करने से। सो इससे आपका जो फेस है काफ़ी शार्प दिखने लगता है और सीरियसली में बहुत अच्छा वर्क करता है। मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया अपने फेस पे और मुझे अपना जो फेस है पहले से बहुत ज़्यादा थिन फील हुआ, तो मुझे तो ये स्टेप बहुत ही अच्छा लगा। नोज़ की हल्की सी हेड की कॉन्ट्रोलिंग करने के बाद अब मैं अपने फेस को पाउडर के थ्रू हल्का हल्का सा हाईलाइट कर लूँगी। ब्लशर के लिए मैं सेम ही आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, अनदर मैंने यहाँ पर कोई ब्लशर पैलेट नहीं यूज़ किया है और मेरा ये पैलेट जैकी हिल का है। बहुत ही प्यारे इसमें कलर्स हैं और ये मुझे इंस्टाग्राम पर किसी फ्रेंड ने, आई थिंक जो ऑनलाइन बायर है, उन्होंने सेंड किया था। तो इससे ही मैं अपने ब्लश शेजा चिक के ऊपर अप्लाई करूँगी। हाईलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ SFR का हाईलाइटर और इसमें मैं सेकेंड रो के तीनों हाईलाइटर को मिक्स करते हुए अपने फेस को हाईलाइट करूँगी एंड अब मैं हल्का सा अपने वाइट हाईलाइटर से आई बॉन को भी हाईलाइट करूँगी। सो ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो कि आपके मेकअप में 4 चांद लगाते हैं, आपके मेकअप में फिनिशिंग देते हैं। बाकी मेकअप के सारे स्टेप्स सेम होते हैं, हर किसी के छोटे छोटे तरीके होते हैं, इवोल्यूशन होता है जो कि मेकअप को डिफरेंट बना देता है। यहाँ पे मेबलिन से मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ जिसका शेड शायद 11 है, कंफर्म नहीं है, मैं आपको मेंशन कर दूंगी। और मेलियो का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मस्कारा, नो लेसेस फेक और कोई यहाँ पे हैवी फाउंडेशन नहीं है, कोई ज़्यादा लेयर नहीं है। सो इजी सा यहाँ पे मैंने ये लुक क्रिएट किया है। अगर आप इसे सिंपली रखना चाहते हैं, आप बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा हैवी है, इसे सिंपल बोल रही हूँ, तो आप यहाँ पे आई मेकअप को थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। बेसिकली आपका मेकअप डिपेंड करता है आपके आईज के ऊपर। सो ये ना फाइनली लुक बर्थडे के लिए, वीडियो क्रिएट करने के लिए, रील क्रिएट करने के लिए, पार्टी में जाने के लिए आप इस तरीके का लुक फॉलो कर सकते हैं। समर है, प्रूफ है, वाटर नहीं जाएगा। सो कैसा लगा मेकअप, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।